हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो सबसे पहले हम आज निफ्टी को डिस्कस करते एंड देन वी विल गो थ्रू ऑल बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी एंड देन स्मॉल कैप, राइट? सो आप देख सकते हो लास्ट 1, 2, 3 डे से मार्केट अप जा रहा है, बट क्या हुआ, जो गैप अप हुआ उसके बाद पूरा दिन मार्केट वही अराउंड स्पेंड किया है, राइट? तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया था, एक रिसेंट ये जोन है और ये अगर इसको क्रॉस कर देता है तो निफ्टी का माइनर ट्रेंड भी पॉजिटिव हो जाएगा, जिसको 19,640 के अराउंड, राइट, स्पॉट का लेवल। तो आज देखेंगे आज क्या हुआ, जो रिसेंट जहाँ से गैप अप हुआ था बाजार और फिर जो सेलिंग आया था एग्जैक्टली वहाँ के आसपास आया बाजार और गैप अप हुआ और पूरा दिन वहीं पे स्पेंड किया। तो बेसिकली ये लेवल आप ध्यान में रखिए, इसके ऊपर अगर कल मान लो क्रॉस होता है 19,680 एंड 650, आप पकड़ लो मोटा मोटी मोटा मोटी 680 पकड़ लो, 680 को क्रॉस करता है तो आपका माइनो ट्रेंड भी पॉजिटिव में हो जाएगा। तो व्हाट आर द सिनेरियोज इन फ्रंट ऑफ अस? मान लो कल यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है तो आई विल टेक ब्रेकआउट फॉर अ लॉन्ग एंड स्टॉप लॉस रहेगा, जो आज का जो आज पूरा दिन कॉन्सोलिडेट किया उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। लेट मी शो यू इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। मान लो इसको कल ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ करता है बाजार, तो आप ये लेवल को स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट? सो एज ऑफ नाउ नो बेरिश शो, ओनली फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटी इन इंट्राडे तेजी। सो निफ्टी में जैसे ही माइनो ट्रेंड भी पॉजिटिव हो जाएगा तो वी कैन लुक फॉर पोजिशनल लॉन्ग्स एंड ऑल थिंग, राइट? सो ये लेवल को आप ध्यान रखिए, कैसे निफ्टी इसको क्रॉस करता है 19,680 मोटा मोटी, उसके क्रॉस कर देता है तो आप समझ लो माइनो ट्रेंड भी पॉजिटिव हो गया एंड देन वी कैन गो टूवर्ड्स 20,000 एंड देन मोर एंड मोर, राइट? सेम वे आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी का आज स्पॉट का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी क्या हो रहा है, गैप अप हो रहा है बट कोई स्ट्रेंथ नहीं, एक बड़ा मूव आया उसके बाद मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। सो बैंक निफ्टी में भी अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करेंगे, राइट, लेट मी शो यू, ब्रॉड ट्रेंड डाउन ही है बैंक निफ्टी में बट माइनो ट्रेंड कहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है। सो ये बेसिकली एक जोन है 45,200, उसके ऊपर मान लो बैंक निफ्टी सस्टेन रहता है तो वी कैन एज्यूम कि माइनो ट्रेंड भी पॉजिटिव हो चुका है एंड देन वी कैन थिंक अबाउट गोइंग एग्रेसिव लॉन्ग्स एंड ऑल थिंग। सो आज देख सकते हो आपने एक अच्छा बेस बनाया है, एक अप मूव आया देन कंसोलिडेट कर रहा है, तो टुमारो मान लो इसके ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो आई कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क लेवल 44,400 के नीचे होना चाहिए, राइट? सो लॉन्ग सोचिए, जब तक ये जो रिसेंट ये जो लो है उसको ब्रेक नहीं करता है बाजार तब तक वी कैन नॉट थिंक अबाउट शॉर्टिंग इट, राइट? सो आई होप यू आर क्लियर दैट हाउ टू अप्रोच द ट्रेंड। सो आप देखिए, थोड़ा ब्रॉड ट्रेंड देखने की कोशिश कीजिए, मार्केट में एक सेलिंग आया देन सस्टेन रहा देन सेलिंग आया देन अभी एक ही रेंज में घूम रहा है, क्या मार्केट फिर से ये जो जहाँ से लास्ट सेलिंग आया था उसको क्रॉस कर देगा तो उसका मतलब है बैर्स आर वीक, राइट? टिल देन मार्केट इज इन कंसोलिडेशन। सेम वे अगर आप फिन निफ्टी देखेंगे, एक सेलिंग आया देन कंटिन्यू थोड़ा रुका देन सेलिंग आया देन यहाँ पे हम रुके हुए हैं, क्या ये सेलिंग में कंटिन्यू होगा या फिर से तेजी हो जाएगा? तो हाउ वी कैन एज्यूम, तो ये जो रिसेंट हाई है उसको अगर क्रॉस कर देता है बाजार जैसे 20,100 के अराउंड फिन निफ्टी में, तो वी कैन एज्यूम कि फिन निफ्टी का जो ब्रॉड ट्रेंड और माइनो ट्रेंड में जो वीकनेस था वो वीकनेस चला गया है एंड देन वी कैन थिंक अबाउट लॉन्ग अपॉर्चुनिटी इन फिन निफ्टी, राइट? टिल देन ब्रॉड ट्रेंड वीक है फिन निफ्टी में, तो अगर ये रिसेंट जो लो है उसको तोड़ेगा तभी देन वी कैन थिंक अबाउट शॉर्टिंग, अदरवाइज वी शुड अवॉइड शॉर्टिंग बिकॉज माइनो ट्रेंड मेजर ट्रेंड डाउन है बट ऐसा कोई वीकनेस अभी तक इतना पुश नहीं कर पाए, राइट? सो सेम वे अगर आप देख सकते हो टुमारो अगर ये आज का हाई क्रॉस करता है फिन निफ्टी तो वी कैन थिंक अबाउट इंट्राडे लॉन्ग विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस, बट मेजर ये जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक माइनो ट्रेंड और मेजर ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आएगा। सेम वे स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे आप, सो स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस अप जा रहा है फ्रॉम मैनी डेज, राइट? सो आज देखेंगे, आज इंट्राडे में एक सेलिंग देखने को मिला था बाजार में, एक सेलिंग आया देन उसके बाद फिर से बाइंग आ गया, तो क्या फिर से कल ये हाई को क्रॉस कर देगा देन अगेन द रैली विल कंटिन्यू। सो कल इसके नीचे जाएगा तो वी हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू मैनेज अ रिस्क जो पोजिशंस है, तो अपने को पता चलेगा कि सेलिंग कंटिन्यू आ रहा है, जो जो रिसेंट गया 12,500 हो गया या 12,300, ये सब लेवल्स है जहाँ पे अपने को पता चलेगा कि हाउ डज वी हैव टू मैनेज अवर रिस्क एग्रेसिवली और इट इट इज जस्ट नॉर्मल पुल बैक, राइट?
सो मेक श्योर दैट डोंट गो हो गंगो. आप लोग, मैं देख रहा हूँ कुछ भी चेज कर रहे, कुछ भी चीज़ें ले रहे, ऐसा मत करो, बिकॉज जब मार्केट अपना मूव चेंज करेगा तो काफ़ी जगह फंस गए होंगे. तो मेक श्योर योर रिस्क इज़ ऑलवेज वेल डिफाइंड वेन एवर यू इनिशिएट एनी पोजिशन. विदाउट हैविंग अ क्लैरिटी ऑन रिस्क, मे बी यू विल मेक मनी ऑन वन ट्रेड, मे बी यू विल मेक मनी ऑन टू ट्रेड, मे बी ऑन थ्री ट्रेड, बिकॉज मार्केट इज़ लाइक दिस, राइट? बट एक ट्रेड ऐसा आएगा जिसमें यू विल बी ट्रैप, राइट? एंड देन वो ट्रैप वाला ट्रेड आपकी कैपिटल या तो स्टक कर देगा या तो आपको एक लंबे लॉस में घुसा देगा. तो मेक श्योर दैट जब मार्केट अच्छा है तो रिस्क की कोई बात नहीं करता है, क्योंकि रिस्क, व्हाट इज़ रिस्क, राइट? कुछ भी लो पैसा बन रहा है. बट मार्केट जब हिट करेगा ना, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मेक श्योर दैट यू हैव प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इन योर प्लेस एंड कीप ऑब्जर्विंग दैट हाउ मार्केट गोज फर्दर. थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो. थैंक यू.